हाउ टू फिक्स ओपेरा मिनी वेब पेज नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्युराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे वेब पेज नॉट अवेलेबल के इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ में चार पांच सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आपका यहाँ में प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ में मैं आपको सबसे पहले तो बता लेता हूँ आपका यहाँ में क्या प्रॉब्लम रहता है। आपका यहाँ में नेट कनेक्शन का भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने सबसे पहले तो अपना नेट कनेक्शन को यहाँ में सबसे पहले कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ में नेट कनेक्शन को अच्छा से कनेक्ट कीजिएगा और अपना नेट कनेक्शन को रिफ्रेश कीजिएगा। उसके बाद यह प्रॉब्लम्स यहाँ से जा सकते हैं। और यदि आपका मैं नेट कनेक्शन करने के बाद भी आपका यह प्रॉब्लम नहीं जाता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ में आप देख सकते हैं, यहाँ में किसी भी पेज को ओपन करने से यहाँ में वेब पेज नॉट अवेलेबल रहता है। तो यहाँ में क्या होता है दोस्तों, आपका ये वेब पेज जो है अवेलेबल नहीं रहता है। तो आप इसे जब बैक करें तो बैक आसानी से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ में पेज ओपन नहीं हो पाते है। आप यहाँ में देख सकते हैं, मैंने गूगल को ओपन किया, यहाँ में वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहे। तो अगर आपका भी यहाँ में ये प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको यहाँ में सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले बैक कर देना है और बैक करने के बाद जाना है आपके प्ले स्टोर में, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सबसे पहले तो क्या है, आप अपने ओपेरा मिनी को सर्च कर लीजिएगा। ओपेरा मिनी सर्च करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ में जो है अपना ओपेरा मिनी उसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपका यह प्रॉब्लम्स यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ में अपडेट नहीं होने की वजह से क्या होता है, आपका ओपेरा मिनी अच्छा से रन नहीं कर पाता है और आपका नेट कनेक्शन भी वो ले नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ में ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो यहाँ में अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद आपका यहाँ में प्रॉब्लम्स चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ में प्रॉब्लम चला गया रहो, ठीक है। और ये भी आपका यहाँ में प्रॉब्लम्स नहीं जाता है तो आपको क्या करना है, आपको बैक कर देना है। और बैक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ में स्क्रॉल डाउन करके नीचे में आ जाना है, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे में जाइए और यहाँ में दोस्तों आपको मिलेगा मैनेज ऐप्स, और या तो फिर आपको यहाँ में एप्लीकेशन मैनेजर, और या तो फिर आपको यहाँ में इंस्टॉल ऐप करके मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ में आ जाने के बाद आपको सर्च करना है सिंपली तरीके से। ओपेरा मिनी स्क्रॉल डाउन कीजिए। तो यहाँ में आप देख सकते हैं ओपेरा मिनी जो है आ चुका है। तो अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले तो इसका डाटा यहाँ में क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर ऑल डाटा में क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए और इसका डाटा यहाँ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ में डाटा क्लियर करने के बाद ऐप परमिशन पे जाइए और ऐप परमिशन में जाने के बाद आप यहाँ में जितने भी परमिशन है सबको इनेबल कर दीजिएगा। तो इनेबल करने के बाद एक दफ़ा अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए। फ़ोन रिस्टार्ट करने के बाद आपका यहाँ में जो है प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ में फिर से अपने ओपेरा मिनी में चला जाते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ में शो कर देता हूँ ओपेरा मिनी का जो प्रॉब्लम है वो गया है कि नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ में मैंने फिर से ओपन कर लिया है दोस्तों, आप यहाँ में देख सकते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद हम फिर से यहाँ में एक दफ़ा ट्राई करें हमारा जो ओपेरा मिनी है वो काम करते है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारा वो यहाँ में वेब पेज नॉट अवेलेबल आ रहा था, वो यहाँ में सॉल्व होगा या नहीं होगा हम यहाँ में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ में हम इसे लेटर कर देते हैं और उसके बाद मेरा यहाँ में जो प्रॉब्लम्स आ रहा था आप यहाँ में गूगल में देख सकते हैं। तो यहाँ में गूगल में क्लिक करते हैं और देखते हैं अभी यह गूगल अब लोडिंग होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ में जो है वेब पेज नॉट अवेलेबल आ रहा था, तो यहाँ में आप देख सकते हैं अभी ये लोडिंग होके आ चुका है, मेरा वेब पेज नॉट अवेलेबल भी यहाँ में शो नहीं हो रहा है और मेरा यहाँ में प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, अब इस तरह से आपने प्रॉब्लम जो है वेब पेज नॉट अवेलेबल का इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करें दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ में आपको यह वीडियो हेल्प किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करें आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।